डीफनेस, बहरापन या फिर कान से कम सुनाई देना, ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के क्रिएट हो रही है। एक स्टडी कहती है कि इसका रेशियो डे बाय डे इंक्रीज़ करता जा रहा है। पूरे विश्व में करीब 5% पॉपुलेशन ऐसी समस्या से सफ़र कर रही है। करीब करीब इसे अगर हम आंकड़ों में देखें तो 430 मिलियन पीपल आज की डेट में पूरे विश्व में सफ़र कर रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार ये 2050 आते आते ये समस्या 700 मिलियन पहुंच जाएगी, बहुत बड़ा रेशियो हो जाएगा। या फिर मैं कहूं कि करीब करीब हर दसवां व्यक्ति डीफनेस जैसी समस्या से सफ़र करेगा। फ्रेंड्स, आज हम इसी समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस दिक्कत के डेवलप होने के क्या कारण होते हैं, क्यों ये समस्या डेवलप हो रही है। इस समस्या को ठीक करने की मैं आपसे होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊँगा जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं। हेयरिंग लॉस को भी ठीक करने का पावर रखती हैं। आपकी मशीन लगाना भी छूट सकता है, आप हमेशा के लिए अच्छे हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उन्हें लेने का तरीका, कौन सी मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, साथ ही साथ कौन सी इंटरकरेंट यूज़ करनी है, बीच बीच में कौन सी दवा रोकनी है, ये भी मैं बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। फ्रेंड्स, हियरिंग लॉस के यूं तो बहुत ढेर सारे कारण होते हैं। छोटे बच्चों की बात करते हैं, यदि छोटे बच्चों में ये दिक्कत डेवलप हो रही है तो चांसेस ये रहते हैं कि शायद उसको अपने जेनेटिक मिला हुआ है। यदि जेनेटिक है तो डियर फ्रेंड्स, उसको हम नहीं ट्रीट कर सकते, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, न तो परेशान होने की ज़रूरत है। कई बार बच्चों में इन्फेक्शन उनकी मदर की वजह से भी देखने को मिलता है, या फिर हेयरिंग लॉस मदर की वजह से भी देखने को मिलता है। यदि बच्चा पेट में है और मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हो गया है, रूबेला वायरस का अटैक हो गया है, तो भी बच्चों में डीफनेस हो सकती है। बच्चा पैदा हो रहा है और उसको साइनोसिस डेवलप हो गई, जिसको कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, या फिर बच्चा जिसको कहते हैं नीला हो गया, यदि ऐसा कुछ हुआ है या फिर हो रहा है तो डीफनेस के चांसेस होते हैं। या बच्चा पैदा हुआ और उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, यदि बच्चे में पीलिया डेवलप हो रहा है या फिर पीलिया हो गया काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसको नियोडेटल जॉइंटिस भी बोला जाता है, तो भी डीफनेस के चांसेस रहते हैं। यदि कान में कोई इन्फेक्शन लंबे समय से चला आ रहा है तो डीफनेस की समस्या क्रिएट कर सकता है। यदि कान में किसी वजह से फ्लूड भर गया है तो डीफनेस जैसी समस्या हो सकती है। कान में कोई चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया या फिर हेड इंजरी हो गई, तो भी ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, लंबे समय से ब्रेन का इन्फेक्शन चला आ रहा है, तो ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। आप कोई क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जो ऑटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, मींस कान में हियरिंग लॉस को वो क्रिएट कर सकती है, तो भी ये देखी जाती है। जैसे अमीका से एक इंजेक्शन होता है जिसको लगाया जाता है, कई कारणों से लगाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में होती है, इसमें फर्स्ट मेडिसिन का नाम आता है मेफाइटिस। डियर फ्रेंड्स, यदि बच्चे को जन्म से ही नहीं सुनाई पड़ रहा है तो मेफाइटिस मेडिसिन यूज़ करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके देने का तरीका ये होता है कि शुरू में आपको इसे 30 पोटेंसी लेनी है। 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम आप 3 बार दीजिए। समय के साथ इस मेडिसिन को आपको इंक्रीज़ करना है। कुछ समय बाद इसे 200 करिए, कुछ समय बाद इसे 1 mg पोटेंसी यूज़ करिए। मेफाइटिस मेडिसिन के साथ साथ आपको ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन की 200 पोटेंसी इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में यूज़ करना है। इसे महीने में एक बार देना है, सिर्फ 4 बूंदें देनी है। जिस दिन आप ट्यूबरकुलिनम दें उस दिन और कोई दवाई नहीं देनी है। दूसरी मेडिसिन का नाम आता है मेट्रोनिडाज़ोल। यदि दोनों कान से कंप्लीट हियरिंग लॉस हो गया है, सुनाई ही नहीं दे रहा है, और राइट ईयर में ये समस्या ये लगती है कि जैसे कान में कुछ रेंग रहा है, तो आप मेट्रोनिडाज़ोल मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज़ करें, अच्छे रिजल्ट पाएंगे। सिक्यूटा वेरियोसा मेडिसिन होती है। यदि किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है और उसके बाद से कम सुनाई दे रहा है, मेनिनजाइटिस के बाद से सुनाई देना कम हो गया है या बंद हो गया है, तो आप सिक्यूटा वेरियोसा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह और शाम 2 बार आप यूज़ करें, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इस मेडिसिन को आप 15 दिन दीजिए, 15 दिन बाद इस मेडिसिन को रोक दीजिए, और नेक्स्ट 15 डेज आप हाइड्रोसायनिक मेडिसिन होती है, इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में दीजिए। 15-15 दिनों में आपको सिक्यूटा वेरियोसा और हाइड्रोसायनिक मेडिसिन को अदल बदल के यूज़ करना है। इसके साथ आप कालीम्यूर 6x मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। कालीम्यूर 6x मेडिसिन की 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप 3 बार यूज़ करें। इस मेडिसिन को परमानेंटली आप हर मेडिसिन के साथ लेते रहें, आप जल्दी ही अच्छा रिजल्ट देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, खुद फ़ायदा लीजिए, लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए, उनको भी फ़ायदा दिलाइए। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी क्लिनिक पर आ सकते हैं, एड्रेस मेंशन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।